तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक कि आप किस तरह से अपने फ़ोन पे अच्छे तरीके का बेस्ट ऑफ द बेस्ट काइन मास्टर से अच्छा एडिट वीडियो बना सकते हैं खुद यूट्यूब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियो बना सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, अच्छा सेटअप नहीं है, फिर भी आप अच्छा वीडियो बना सकते हैं इसमें अपने ट्रांजिशन वगैरह लगा करके, अच्छे इफेक्ट लगा के, जो लोग नहीं बना पाते हैं उनके लिए। तो दोस्तों, आ चुके हैं काइन मास्टर के स्क्रीन पर। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे प्लस के आइकन पर और आपको दिखाते हैं कि कौन सा हम रेट लेंगे, कौन सा कौन से किस तरह से बनाएंगे अपना अच्छे से अच्छा वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देखिए आप 16:9 अब ले सकते हैं, बाकी जितने हैं वो इंस्टाग्राम के रील वगैरह के लिए किए जाते हैं यूज़। तो दोस्तों, अपन लोगों की स्क्रीन खुल चुकी है। स्क्रीन खुलने के बाद आप सबसे पहले जाएंगे मीडिया पे। मीडिया में जाने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा सा बैकग्राउंड ले लेंगे। बैकग्राउंड में क्लिक करेंगे आप। बैकग्राउंड में जाने के बाद आप देखेंगे कि कोई सा भी बैकग्राउंड जो आपको अच्छा लगता है वो बैकग्राउंड आप अपने हिसाब से ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों, आप देखेंगे उसके आगे का, आप कोई से बैकग्राउंड ले लेंगे। मैं ब्लैक वाला बैकग्राउंड ले लेता हूँ, आप कोई से ले सकते हैं, वैसे एक वाइट ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आप इसे बड़ा कर लेंगे, थोड़ी आगे तक फैला लेंगे इसे। इसे आगे तक फैला देने के बाद थोड़ा सा आप लेयर में जाएंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे। मीडिया में जाने के बाद एक अच्छी सी फ़ोटो कोई सी भी आप ले लेते हैं, कोई सी आपकी वीडियो जो रखी हुई है उसे आप ले लेंगे अपने लिए। उसके बाद आप देखेंगे आगे का, हम जैसे कि देखते हैं यही फोटो ले लेते हैं, ये नहीं हो रही, सॉरी, हाँ दूसरी फोटो ले लेते हैं। दूसरी फोटो देखिए फ़ोन की। अब ये देखिए, कई आप जाके देखते हैं जो लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दिखाते हैं वो लोग इसका यूज़ करते हैं, बहुत लोग बार देखते हैं आप। मैं इसका यूज़ आपको एग्जाम्पल के लिए कर रहा हूँ, आप देखेंगे मैंने इस साइड में रखा। उसके बाद इसे बराबर बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद फिर जाएंगे लेयर पे। लेयर में जाने के बाद इफेक्ट लेंगे। अब ये दिखाता हूँ आपको ब्लर कैसे करते हैं, देखेंगे ब्लर का ऑप्शन जो होता है कैसे करते हैं वो बताऊंगा। उसके पहले एक और ले लेते हैं फोटो, पहले चलिए देखते हैं ये वाली फोटो ले लेते हैं, नहीं वीडियो लेते हैं पहले। ये वाला वीडियो आप देखते हैं ना, सब्सक्राइब करने वाला आता है, ये वही वाला है। आपको दिखाता हूँ क्रोमा की का यूज़ पहले। देखिए क्रोमा की का यूज़ जैसे ग्रीन बैकग्राउंड हटाते कैसे हैं, आप देखेंगे क्रोमा की को मैं क्लिक कर दूंगा, देखेंगे आप ये क्रोमा की का ऑप्शन। क्रोमा की का ऑप्शन मैं दबाऊंगा, उसे ऑन करूंगा क्रोमा की को, तो क्रोमा की जो है देखिए जितने ग्रीन बैकग्राउंड रहा पूरे चला गया, बाकी वाइट बैकग्राउंड में रहा है ना, आप देख रहे हैं इसे अच्छी तरीके से। आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से डेवलप हो रहा है, क्या लिखवा रहा है। देखिए मैंने इसे पिक किया, अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से इनटू बैक करते हैं। मैं इसे इनटू बैक करूंगा तो देखेंगे आप इसका जितना रहा पीछे चला जा चुका है। इसे पीछे जाने के बाद आप देखेंगे इसका, ये देखिए क्रोमा की, आप देखेंगे उसके बाद मैंने दिया, ये देखिए मैंने इसको बराबर फिक्स कर दिया है। बराबर फिक्स करने के बाद इसे मैंने थोड़ा सा और देखिए आगे थोड़ा सा कर देता हूँ अच्छे तरीके से, इस अच्छे तरीके से आ जाइए। उसके बाद देखें थोड़ा और आगे करके अच्छे तरीके से, ये देखिए आप क्रॉपिंग बताता हूँ मैं, देखिए क्रॉप कैसे करते हैं, खैर क्रॉप क्रॉपिंग मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद में, मैं दिखाई नहीं देगा अच्छे तरीके से फोटो आपके दूसरा बताता हूँ मैं आपको अच्छे तरीके दिखाता हूँ उसे बना कर। देखेंगे आपको बताता हूँ एक और अपने लोगो लेके आता हूँ मैं, अपना लोगो ला करके आपको उसे अच्छे तरीके बताऊँगा। ये देखिए ये मेरा लोगो, मैं इसे पिक कर लेता हूँ। अब आपको बताऊंगा इसमें इन एनिमेशन जो आते समय एनिमेशन आता है वो कैसे आता है, जाते टाइम कैसे जाता है। ये देखिए आते टाइम जैसे पेज आएगा, स्ट्रीट लाइट, लेफ्ट डाउन घूम के आता है, उल्टा घूम के ड्रॉप करके इसके अलग स्केल डाउन कर अलग टाइप के आते हैं, ठीक है ना। मैं इसमें से आपका लिए एक अच्छा तरीका चुन लेता हूँ, वो अच्छा वाला लेता हूँ। आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप दिख रहा है आपको, ये देखेंगे ये देखिए मैं ये वाला बटन रहा से मैं चुन लिया मैंने। अब इसके बाद आउट एनिमेशन और की दिखाता हूँ आपको, देखेंगे इस तरह से आया ये इफेक्ट, देखते हैं ब्लर कैसे करते हैं, देखेंगे ब्लर का बताया मैं आपको बाद बताऊँगा। देखेंगे आप इसको मैंने किया, देखिए पूरी स्क्रीन जितनी है ब्लर आ चुकी है, स्क्रीन पूरी ब्लर आ गई है। मैं इसे आगे जा करके सेंड टू बैक करता हूँ पूरा फुल करके, देखिए सेंड टू बैक करूँगा मैं इसको, सेंड टू बैक करने का पीछे चला जाएगा। उसके बाद देखेंगे आपको अलग टाइप का दिखाता है जो एच डी टाइप में दिखाता है वो कैसे लाता है बताता हूँ। देखेंगे इसको फ़ोन के ऊपर मैंने लेके आया, अब मैं इसको फ़ोन के ऊपर लेके आया हूँ। अब इसके बाद मैं जितना उसको पीछे सेंड टू बैक किया था उसको पेंट करता हूँ। उसके बाद अपने लोगो है उसको पेंट कर देता हूँ, देखेंगे आप कैसे, देखिए मैं अपने लोगो को पेंट कर देता हूँ। अब मैंने लोगो भी अपने तक देखेंगे वो पीछे तक जब भी एनिमेशन दिखाई दे रहा है अच्छे तरीके से वो किस टाइप से आता है। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर रहते हैं इसी टाइप की वीडियो बनाते हैं। अब आप देख रहे हैं इसको किस तरह से आ चुका है, कितना एट्रेक्टिव लग रहा है। अब मैं आपको दूसरा ऑप्शन दिखाता हूँ अपना, उसमें कैसे लिखते हैं अपन लोग, ओवरले कैसे लगते हैं। ओवरले का ऑप्शन में थोड़ा और आगे जाकर बताता हूँ आपको, तभी दिखा देता हूँ। देखिए ये काउंटिंग नंबर जो आप जानते हैं काउंटिंग नंबर आती है, ये काउंटिंग किस तरह से आती है ये काउंटिंग के बारे में बता देता हूँ। देखेंगे मैंने इसको लगाया, अभी देखिए फोकस करके नहीं दिखाता हूँ, ये देखिए उसके यहाँ लगाता हूँ उसी तरीके से दिखाता हूँ आपको। ये देखिए लग चुका है, आप देखिए किस तरह से दिखा रहा है ये,
इसकी नंबरिंग किस तरह से आ रही है, अब देखते हैं कई जगह में नंबरिंग दिखाती है आपकी, उसी तरीके से आती है, देख रहे हैं। देन आप देखेंगे मैं इसे थोड़ा सा बिग भी कर सकता हूँ, बड़ा करके छोटा कर सकता हूँ, फिर वैसे आप देखेंगे कितना एक्टिव लगेगा। इसके बाद आप देखेंगे किस तरीके मैं इसको बना रहा हूँ और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, आपको अच्छे से बता दूंगा पूरा मैं। अब अगला ऑप्शन जो लिखने का आता है इसके अंदर वही बताऊँगा, लेकिन इसको फिर कर दूँगा अच्छे तरीके से, रुक गया ये थोड़ा सा, इसको नीचे ठीक है, हाँ ठीक है नीचे। अब देखेंगे हम, ये देखिए फिर से किस तरह से आ रहा है, लेयर में जाके देखेंगे अपन लोग लिखते कैसे हैं, लिख के जो आता है अपन का वो किस तरह से आता है आप देखेंगे। मैं इसको आगे का कर दे रहा हूँ, इसका लिखते हैं अपन लोग टेक्निकल, नहीं सॉरी टेक्नोलॉजी लिखते हैं, टेक्नोलॉजी एंड अर्निंग, ये टेक्नोलॉजी एंड अर्निंग, फ्यूम रखना, हाँ ये टेक्नोलॉजी एंड अर्निंग, ये देखिए ये आया। अब मैं इसे थोड़ा नीचे ला करके इसकी शेडो पर ले जा देता हूँ, नीचे जाता हूँ थोड़ा सा इधर, इसकी शेडो ऑफ कर देता हूँ। शेडो ऑफ करने के बाद हम देखते हैं इनका कलर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि कलर थोड़ा वाइट में समझ नहीं आएगा अच्छे तरीके से, ब्लैक कर देते हैं इसका। और उसके बाद ये ए लिखा हुआ है जो आपको दिख रहा है, ये इसका फॉन्ट है, इसको फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे हम ये बता देता हूँ। अपन लोग ले लेते हैं कोई से फॉन्ट, चलो फॉन्ट ले लिए, दिखिए थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। अब इसका एनिमेशन किस तरह से आएगा, ये इसका एनिमेशन सेलेक्ट कर लेते हैं, एनिमेशन की भी कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद इसको बड़ा प्रिसाइज में ले आते हैं, फुल फुल साइज में आ चुका है। देखा आपने अभी कितना ज़्यादा एट्रैक्टिव इंटरेस्टिंग लग रहा है, पर इसका ब्लर वगैरह जितना है इसे सब अच्छे से पूरा फिट कर लेते हैं। जो ब्लर का ऑप्शन जो पीछे दिखाया है इसे लगाते हैं, जो नंबर इनके बीच में कर देते हैं और अच्छे तरीके बना दें, और फिर आपको उसमें गाना लगा के भी दिखा सकते हैं अगर आप चाहें तो। कितना ज़्यादा एट्रैक्टिव लग रहा है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं, आपको किस तरह लाना है मैं सेलेक्ट कर देता हूँ एक बार अच्छे से, जिससे दिखाऊँ एंड में जब आपको याद बना करके तो थोड़ा एकदम मस्त लगे। ये देखेंगे आप देख रहे हैं ये किस तरह नंबरिंग आ रही है। अब आप देखेंगे किस तरह से, आप देखते हैं राइट करके जो ऑप्शन आता है एक टिक करता है मेन, किसी को हाईलाइट करके दिखाता है जो, वो किस तरह से आता है, वो इसी टाइप में आता है कि ये ऊपर से जो है एक एरो आएगा, इसको हम कैसे एरो ले लेते हैं, देखिए किस तरह से आएगा ये ऊपर, ये देखिए इस शख्स से आता है जो, ये कैसे आता है कैसे बनाया जाता है इसे, ये यहीं से बनाते हैं इसको। उसके बाद इसका एनिमेशन ले लेते हैं अपन लोग, ये किस तरह से इसका एनिमेट होगा, ये किस तरह से आएगा ये एनिमेशन होकर के, देखिए पहले इसको बड़ा कर लेते हैं, सब जगह फैला लेते हैं तरीके से पूरी स्क्रीन, देखिए पीछे भी कर लेते हैं, कर लिए हैं। उसके बाद ये देखिए इस टाइप से आता है, इस टाइप से फेज करके आने का थोड़ा फिर दिखाता है, मैं ये अलग ठीक है इसकी टाइमिंग थोड़ा सा बराबर कर लेता हूँ जिससे आने में ये अच्छे तरीके से दिखाई दे। उसके बाद आप इसे देखेंगे, ये मैं इसको आगे लेके आया हूँ थोड़ा ये, अब आप देखेंगे इसके आगे और ये देखेंगे। अब मैं इसमें एक म्यूज़िक लगा देता हूँ, अपने सबसे गाना कोई सा इसमें लगा देता हूँ, इसमें गाना किस चीज़ लगाते हैं बहुत दिक्कत रहता है, खैर नॉर्मल चीज़ें लगा देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको बैकग्राउंड का ऑप्शन को दिखाई दे रहा होगा, इस बैकग्राउंड के ऑप्शन को क्लिक करेंगे अगर हम तो ये गाना जो है ये बैकग्राउंड में लग जाएगा, मतलब कोई भी आप बात करेंगे कोई भी चाहे वो रिकॉर्ड करें वॉइस अपनी तो वो पीछे तरफ हो जाएगा, आप कोई वॉइस रिकॉर्ड करते रहेंगे अपनी वो नहीं आएगी इसमें। अब आप देखेंगे खैर मैंने माइक लगाया हूँ तो थोड़ा गाना सुनाई नहीं देगा आपको, अब नहीं तो फिर आपको गाना सुनना है तो डाउनलोड करके आप लगा के सुनिएगा अच्छे तरीके से। अब आप देखेंगे इसे मैं इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है उसी हिसाब से इसका कंपोजर करके साउंड जो है थोड़ा धीमा कर देता हूँ जिससे जो है साउंड बराबर ठीक रहेगा। अब आप देखेंगे इसके आगे तरफ जो है ये एरो किस तरह से आ रहा है, मैं इसे पूरा प्ले करता हूँ, देखिएगा आप प्ले करने में कैसा मस्त दिखा रहा है। अब देखा आपने कितना ज़्यादा एट्रैक्टिव लगा ये वीडियो आपको, अगर आपको वाकई मेरी इन्फॉर्मेशन आपको नॉलेजेबल लगी हो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वैसे मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, आप देखेंगे नंबरिंग खत्म होने के बाद कोई चीज़ ना आए तो बेकार लगता है, तो मैं इसमें एक और चीज़ लगा देता हूँ, देखेंगे ओवरले का यूज़ मैंने बताया था आपको, वो देख लीजिए ओवरले में ऐसे दिखाता हूँ, जैसे ही नंबरिंग खत्म होगी यहाँ पे एक फायरफॉक्स जलेगा, देखिएगा फायरवर्क
किस तरह चलता है फायरवर्क वो दिखा देता हूँ आपको तरीके से, देखेंगे आप थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ अपने चाहिए इसके, क्योंकि वैसे भी बहुत लंबा जा चुका है वीडियो, फिर भी थोड़ा अच्छा बनाकर दिखा देता हूँ वीडियो को जिससे वीडियो थोड़ा अच्छा लगे। अब आप देखेंगे मैं एक और चीज़ ऐड करता हूँ, सोचिए ऐड नहीं हो रहा है, एक और वीडियो ऐड करके दिखाता हूँ इंट्रो अपना, देखेंगे अपना इंट्रो ऐड कर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये इंट्रो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं इसे इंट्रो दिखाता हूँ आपको, मैं इस इंट्रो को वहाँ पर ऐड कर देता हूँ थोड़ा ऊपर करके, जिससे इंट्रो थोड़ा अच्छा लगे देखने में पसंद आए, ऐसा इंट्रो है आप देखिए बताइए। देखिए इसे मैं थोड़ा पिक करता हूँ और जिससे प्रॉपर अच्छा सा एडिट एनिमेशन वाला ट्रांजिशन वाला लगे, देखेंगे आप ये वीडियो ख़त्म होते ही किस तरह से जिस नंबरिंग ख़त्म होगी आपकी नंबरिंग ख़त्म होते ही किस तरह से वो आएगा, मैं शर्टिंग शर्ट किया मैंने इसे, देखेंगे ये नंबरिंग आई, नंबरिंग शर्ट चुकी है, ये देखिए कितना मस्त पैंथर है ये देखिए रन किया मैं तो ओपन हो गया। इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसे किस तरह सेव किया जाता है, ये नहीं बताया मैंने आपको, इसे एंगल में बता देता हूँ मैं आपको, वीडियो मेरा बन चुका है आप ऊपर तरफ जो देख सकते हैं ऑप्शन देख रहे होंगे, अगर हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारा वीडियो जो है बंद हो जाएगा, आपको बता दे रहा हूँ थोड़ा सा इधर भी अच्छे से कर दूँ, उसके बाद बता दे रहा हूँ आपको, देखेंगे ये देखिए आप ये एरर है उसको बैक कैसे करते हैं, आउट एनिमेशन कैसे लगाते हैं, वो आउट एनिमेशन कैसे लगाते हैं ये मैंने बताया आपको, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से हम इसे बैक करके सेव करेंगे। ये बैक में आ चुके हैं अब इसके बाद हम इसे सेव करेंगे, सेव करने के लिए आप थोड़ा वीडियो को वापस क्लिक करेंगे, उसके बाद शेयर का ऑप्शन अब दिख रहे हैं, शेयर का ऑप्शन क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट में क्लिक कर देंगे आप, एक्सपोर्ट में क्लिक करेंगे तो आपकी जो एक्सपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी और वीडियो आपका सेव होने लगेगा, थोड़ी देर में आपका वीडियो जो है सेव होकर तैयार हो जाएगा, थोड़ी टाइमिंग ज़रूर लगेगी, अगर वीडियो आपका बड़ा है तो थोड़ी टाइमिंग लगेगी, बट अगर वीडियो को छोटा है तो बिल्कुल टाइमिंग नहीं लगेगी आपको, एक्सपोर्ट बहुत ही जल्दी हो जाएगा। सो दोस्तों आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्यों दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आती रहती है तो वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो थैंक दोस्तों वीडियो एंटर।